यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए, तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, उसका 100 रुपए चुकाने के लिए आना पड़ेगा। ये ईश्वर की अदालत है ना साहब। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खा, यहां सबका हिसाब है। तो आप किसी का पैसा खा के मत मरना। यदि आपने किसी के 100 रुपए लिए हैं और देने वाला भूल गया है, तो आप लेने वाले याद करके वापस कर, भैया ये 100 रुपए तेरे पकड़, हम नहीं लेना चाहते। यदि लेके मर गए तो लिख लेना, शास्त्र गवाह है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। 100 रुपए लेके भी मरे हो तो 100 रुपए चुकाने तुम्हें फिर आना पड़ेगा संसार में। चाहे कुत्ता बनकर आओ, चाहे उसके घर का सुअर बनकर आओ, चाहे उसके घर का बैल बनकर आओ, चाहे उसके घर का नौकर बनकर आओ, 100 रुपए तुम्हारे बाप को चुकाना पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में लेन देन बिल्कुल पक्का है। आपको क्या लगता है कि हम खा जाएंगे किसी के 1000, 500 या 10000? ना, तुम्हारे बाप ने भी यही गलती की थी। हिसाब किताब एक नंबर का रखो। लेन देन कोई लेना देना ना भैया, मरने के पहले सब चुकता, सबको राम राम, कोई लेना देना नहीं। बेटा बेटी से भी मन हटा लो, परिवार से मन हटा लो, संसार से मन हटा लो, भगवान में मन लगाओ। अब मरने की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? मरने की तैयारी करो। आप लोग ना मरने की तैयारी नहीं करते बिल्कुल। बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। समझदार लोग दोनों को याद रखते हैं और मूर्ख बेवकूफ लोग दोनों भूल जाते हैं। और आप लोग मरने के पहले बिल्कुल सब क्लियर, लेन देन बचा है तो बेटों को कहकर जाओ, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, फलाने के 10000 बाकी हैं, तुम चुका देना। और बेटे को चाहिए कि पिता का कर्जा चुकाए, पिता का सब एक एक रुपए का हिसाब करके जाना साहब, वरना गति बिगड़ जाएगी, कामना ना रह जाए। और आपको मरते समय बिल्कुल सावधान रहना। जब आप मरने लग जाएं तो घर वालों को बोल देना, जब आप जितने लोग बैठे हैं सब अपने घर वालों को बोलना कि बेटा जब हम मरने लग जाएं तो ज्यादा रोना धोना मत। आजकल होता क्या है, आदमी मरा नहीं, लोग पहले ही आ जाते हैं और आ आ करके क्या करते हैं, हिलाते हैं, हमें पहचानो हमें। आप मरने लग जाएंगे ना तो ये दुनिया इकट्ठी होगी और आपको हिलाएगी, हमें पहचानो हमें। सब लोग यही कहेंगे हमें पहचानो, कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। सारी दुनिया आएगी आपको हिलाएगी, कहेगी हमें पहचानो, और थोड़ा रोएगी आपके मरने पर। आप मरने वाले हैं, ये दुनिया आपके बगल में बैठ के रोएगी शोर मचाएगी तो आप शांति से मर पाओगे? इसलिए कहते हैं कम से कम शांति से मरने की व्यवस्था तो करो। और शांति से मरने की व्यवस्था क्या है, घर वालों को बोल दो रोना मत। कीर्तन, तुम लोग रोते हो उससे अच्छा कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मरने वाला व्यक्ति भगवान का नाम लेकर सुनेगा तो परम गति हो जाएगी। तुम्हारे रोने धोने से क्या होगा? क्या तुम मूर्खों की तरह आंसू बहाते हो? क्या मरेगा नहीं कोई? क्यों अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हो? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। तो आप लोग मरते समय क्या करेंगे, सामने भगवान का चित्र रख लो, मरते हुए आदमी के या स्त्री के मुंह में तुलसी का दल डाल दो,
और गाय के गोबर से आंगन को लीपो, मुंह में गंगा जल डालो और बैठकर कीर्तन करो। रो लेना बाद में, मर तो जाने दो पहले। पहले कीर्तन करो और भगवान से कहो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होंठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कोई कामना नहीं, तो आप लोग निष्काम हो जाओ, कोई कामना नहीं। और यदि कामना रही, भरत जी मरे तो मृग बन कर आना पड़ा। अब आप देख लो, हमने तो आपको बता दिया, हम तो अभी से अपनी कामनाएं खत्म करने में लगे और आप बढ़ाने में लगे, कोई कामना नहीं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अच्छा, नरक में जाने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मरते समय क्या बोला था अजामिल ने? जोर से नारायण। आप लोग भी मरते समय क्या बोलेंगे? हाँ, यदि बोलेंगे नारायण तो गति बन जाएगी, और भूल गए नारायण तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए अभी से नारायण नारायण जपो, ताकि मरते समय निकले। पता नहीं मरते समय निकल पाए ना निकल पाए, अभी से अभ्यास करो। क्या बोलेंगे? जोर से श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, और नाम बोलते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये नाम काम आएगा। अजामिल जैसा पापी मैया, बड़ा पापी था अजामिल। 88 साल का हुआ तो यमदूत आए, चल तुझे लेकर चलें। यमदूत पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल ने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था बेटे का? नारायण। बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वर्ण उच्च राजु हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण, बुलाया था बेटे नारायण को, सुन लिया पिता नारायण ने, परमात्मा नारायण ने सुन लिया, और परमात्मा ने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। केवल नाम के बल पर अजामिल की सदगति हो गई मेरी माँ। किसके बल पर? इसलिए आप लोग काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु, उनकी पत्नी का नाम था कृतद्युति। बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, पर दुर्भाग्य देखिए कि राजा की पत्नियां तो बहुत थी पर पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लग गए कि मेरा पुत्र नहीं है। एक संत से कहा राजा ने कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख है ही नहीं, कोई संतान सुख नहीं है। महाराज भले नहीं है पर आप संतों का आशीर्वाद है तो सब हो जाएगा, संतों का आशीर्वाद है। तो राजा से कहा कि देखो मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूं पर वो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। ठीक है महाराज, हमें पुत्र दीजिए। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया, फल खाकर पत्नी गर्भवती हुई। राजा को एक बेटा हुआ सुंदर सा। जब बेटा 5 साल का हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, तो राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लग गए जिसको बेटा हुआ। उन रानियों से प्रेम नहीं रहा जिनको बेटा नहीं हुआ। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को
जहर दे करके मार दिया कि ये बेटा जब से आया है राजा हमें देखते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। राजा ने जहर दे करके, रानियों ने, अन्य रानियों ने जहर देकर मारा। छोटा 5 साल का नन्हा बच्चा था बेचारा, सोया ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी नहीं जागा। राजा रोए, रानी रोई। अभी रोना धोना चल रहा था कि देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, राजन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, रो रहे हो। राजा बोले, महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, क्या अपराध किया था इसने, क्यों चला गया? तब नारद जी ने कहा, ये मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है जाने के लिए आता है। राजा बोले, मुझे ज्ञान नहीं सुनना, आप देवर्षि नारद जी हैं, सब कर सकते हैं, मेरे पुत्र को जीवित करो। नारद जी बोले, तू जिद करता है, मैं जीवित करता हूँ। नारद जी ने उस मरे हुए पुत्र को अपने तपोबल से जीवित किया, और जब जीवित किया तो उस बच्चे ने जीवित होकर के, राजा बोले, आ बेटा तुझे गले लगा लूं, तू मेरा बेटा है। तब उस बेटे ने जो कहा, उस बेटे ने कहा, पिताजी आप मेरे कौन हैं? अरे तू भूल गया, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं, इस संसार में करोड़ों बार मैं जन्म लेकर और जन्म लेकर मर चुका, किस जन्म के आप पिता हैं? सुनो, कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का पुत्र नहीं है इस संसार में, तो आप अपना कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, जिस दिन आपका हिसाब पूरा होगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। कोई आपका पिता नहीं और कोई आपका पुत्र नहीं। आप कहते हो कि ये तो मेरा बेटा है, ना साहब, वो बेटा कुछ दिनों का मेहमान है, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, आप लोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं और कार्य होते ही चले जाएंगे, कौन किसका है? एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों के नगर में आया, भिंड में, मैं कितने दिन के लिए आया हूं भिंड? जोर से, 7 दिन बाद मैं यहां से काम पूरा करके चला जाऊंगा। जैसे मैं 7 दिन के लिए आया, कोई काम करने आया, 7 दिन पूरा हुआ तो मैं चला गया। अच्छा मैं कहां जाऊंगा यहां से 7 दिन बाद? मैं वहीं जाऊंगा जहां से आया हूं। तो मैं 7 दिन के लिए आया, आप लोग 25, 50, 100 साल के लिए आए, मैं भी जहां से आया वहीं जाऊंगा, आप लोग भी जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मैं भी कुछ काम करने आया हूं, कुछ उद्देश्य लेकर आया हूं, आप भी अपना कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं। इस संसार में ये पति पत्नी जो मिले हैं, ये यात्रीगण हैं, ये आपके हैं नहीं, आपने मान लिया कि ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र है नहीं। इस संसार में सब यात्री हैं। जैसे आप ट्रेन पर चलते हो तो ट्रेन पर सफर के दौरान आपको बहुत लोग मिल जाते हैं, ऐसे ही आपको स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार मिल गया, आप उसी में रह गए कि ये मेरा है, ये आपका नहीं। सच्चाई ये है, आपका कौन? भगवान आपके हैं। ये संसार में जो हम आते हैं ना, जाने के लिए ही तो आते हैं। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, सुनो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसका जितना टाइम पीरियड है वो उतना काम करके चला जाएगा या चली जाएगी, आप रोक सकते हैं क्या? उत्तर दो सरकार, क्या आप किसी जाते हुए को रोक सकते हैं? फिर उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं, आपने मान लिया है, मैं तो आने जाने वाला मुसाफिर हूं, यात्री हूं। ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम सब परदेसी हैं। इसलिए तो कहा कि परदेसियों से नाखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना, हम सबको जाना है। किस किस से मोहब्बत करें, और जिस जिस से करोगे उस उसके लिए रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको अपना मान लिया है उसी के लिए तो आप रोते हैं, जिसको आपने अपना नहीं माना उसके लिए आप रोते हैं? फिर इसलिए अपना उन्हें क्यों मानना
जो जाएंगे उन्हें मानो जो अपने हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, वो पिछले आपको पता नहीं है। एक सच्चाई आपको बताऊं, आपकी जो पत्नी, पति, बेटा, बेटी है ना, ये पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था आपसे, वो चुकाने आए हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था। क्या हिसाब था? अब वो बेटे का क्या हिसाब था जरा सुनो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़ा सा गाय का गोबर सूखा हुआ, ओपले कंडे आपने दिए, मैंने शाम को उन कंडों में आग लगाई और 5 रोटियां आपके आटे से बनाई, तो आपके आटे को जब गूथा और 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां जब बनाई आपकी, मैंने 5 रोटियां खाई, तो मैं 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। मैंने उन चीटियों को जला के मार डाला, वो आग जो कंडे आपने दी उनमें बहुत सारी चीटियां थी, मैंने आग लगाई, सारी चीटियां जल के राख हो गई। मैंने उन चीटियों को जलाया, वो चीटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाने पड़ते। इस संसार में जो भी है, आपकी पत्नी कुछ हिसाब किताब चुकाने आई है, जिस दिन उसका हिसाब चुकेगा उस दिन पत्नी की छुट्टी, ऐसे ही पति की उस दिन छुट्टी, जिस दिन हिसाब चुकेगा उस दिन बेटे की छुट्टी। मेरा 7 दिन पूरा होगा मेरी छुट्टी, आपका भी समय पूरा होगा छुट्टी, कोई रोक ना सकेगा। इसलिए ये संसार के यात्री गणों से क्या मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करो जिसने तुम्हें यात्रा पर भेजा है, परमात्मा है वो। कौन है तुम्हारा? आप कहते हो ये मेरा, कोई मेरा नहीं।